हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस पार्ट थर्ड ऑफ द एसे ऑफ फ्रेंडशिप। लेट्स स्टार्ट। इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन। अब बैकन हमें आगे फ्रेंडशिप के फायदे बता रहा है इसमें। इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन, यह है नहीं भूला जाना चाहिए। व्हाट कॉमिनियस ऑब्जर्व्स ऑफ हिज फर्स्ट मास्टर ड्यूक चार्ल्स द हार्डी, नेमली दैट ही वुड कम्युनिकेट हिज सीक्रेट्स विद नन। तो कम्युनियस की बात हो रही है इसमें। कम्युनियस का हम देख लेते हैं कौन है। ए राइटर एंड डिप्लोमैट हु सर्व्ड अंडर ड्यूक चार्ल्स हार्डी एंड लेटर लुइस इलेवेंथ ऑफ फ्रांस हैज सेड इन हिज राइटिंग्स दैट हिज फॉर्मर मास्टर ड्यूक चार्ल्स हार्डी वुड नेवर शेयर एनी सीक्रेट्स विद एनीवन। तो ये कम्युनियस था, एक राइटर था और एक डिप्लोमैट था, जिसने ड्यूक चार्ल्स हार्डी के अंदर अपनी सेवाएं दी थी। उसके कार्यकाल में उसने लिखे थे कुछ, तो डिप्लोमेट भी था, कूटनीतिज्ञ भी था। और बाद में जो लुइस इलेवन है फ्रांस का, उसने अपनी राइटिंग्स में ये कहा था कि उसका फॉर्मर मास्टर है। ड्यूक चार्ल्स हार्डी वुड नेवर शेयर एनी सीक्रेट विद एनीवन। अब कॉम्युनियस का जो मास्टर था ड्यूक चार्ल्स हार्डी, वो कभी भी अपने सीक्रेट किसी को बताता नहीं था। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने सीक्रेट अपने पास ही रखते हैं, अपने राज किसी को बताते नहीं हैं। तो उन्हीं में से ही एक था कॉम्युनियस का मास्टर, कॉम्युनियस का जो मालिक था जिसके अंडर में वो काम करता था। He was particularly careful about not divulging any secret he considered critical to him and to his rule, but age caught up with him, gradually his mental faculty deteriorated. तो कॉम्युनियस का उदाहरण देते हुए बताते हैं, कॉम्युनियस एक ऐसे मास्टर के अंडर में काम करता था जिसका नाम था ड्यूक चार्ल्स हार्डी, और वो किसी को अपने राज नहीं बताता था। लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसकी ये आदत जो थी धीरे धीरे कम हो गई। अब देखते हैं इसके बारे में खास बात क्या है। तो ड्यूक जो ये कॉम्युनियस था, ड्यूक चार्ल्स हार्डी के अंडर में काम करता था और वो किसी को अपने सीक्रेट नहीं बताता था। एंड लीस्ट ऑफ ऑल दोज सीक्रेट्स विच ट्रबल्ड हिम मोस्ट, और सबसे कम तो वो सीक्रेट बताता था जो सीक्रेट उससे बहुत परेशान करते थे, ट्रबल करते थे। Whereupon he goeth on and said that towards his latter time that closeness did impair. तो कॉम्युनियस आगे बताता है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी, वैसे वैसे उसकी जो वो क्लोजनेस है, यहाँ क्लोजनेस का मतलब नज़दीकता से नहीं है, यहाँ क्लोजनेस का मतलब है उसका वो नेचर जो अपने अंदर ही बंद रहता था, वो क्लोज रखता था अपने विचारों को, किसी के सामने खोलता नहीं था। ये जो उसका नेचर था वो इम्पेयर हो गया, यानी धीरे धीरे नष्ट हो गया वो नेचर, यानी उसको बाद में पता लगने लगा कि बातें बतानी चाहिए। एंड लिटिल पैरिश इज अंडरस्टैंडिंग, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी थोड़ी थोड़ी पैरिश हो गई, खराब हो गई। श्योरली कॉम्युनियस माइट हैव मेड द सेम जजमेंट ऑल्सो इफ इट हैड प्लीज्ड हिम ऑफ हिज सेकेंड मास्टर लुइस द इलेवंथ। कॉम्युनियस का जो दूसरा मास्टर था लुइस द इलेवंथ, उसके बारे में भी कॉम्युनियस की सेम ही जजमेंट होती। हूज क्लोजनेस वॉज इन डीड हिज टॉर्मेंटर। तो लुइस इलेवंथ जो था, अगला मास्टर था, वो भी उसी के जैसा ही था उसके पहले मास्टर की तरह, और उसकी जो क्लोजनेस थी, उसकी जो अपने ही अपने अंदर रहने की प्रवृत्ति थी, अपने राज किसी को न बताने की प्रवृत्ति थी, वो भी उसका टॉर्मेंटर था, वो उसको बहुत परेशान करती थी। तो एक ऐसा आदमी जो अपने राज नहीं बताता है, वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है, घुटता रहता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो वैकन इनडायरेक्टली कह रहा है ये एग्जाम्पल दे के कॉम्युनियस का, कि जिस तरह से कॉम्युनियस के दोनों मास्टर थे, दोनों के दोनों बड़े ही क्लोज थे अपने एटीट्यूड में, किसी को अपना राज बताते नहीं थे, तो वो खुद ही परेशान रहते थे उससे। तो बता देना चाहिए, इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं जो आपको परेशानी का कारण बन सकते हैं, लेकिन हम इसके क्रक्स पे आएंगे कि वास्तव में वो कहना क्या चाहता था। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दिया कॉम्युनियस का, हो सकता है आप ना जानते हैं उसके बारे में कुछ भी। कॉम्युनियस के उदाहरण से ये बताना चाहता है कि जो व्यक्ति राज नहीं बताते हैं अपने, वो परेशान रहते हैं और उनको अपनी आदत सुधारनी चाहिए। द पैराबल ऑफ पाइथागोरस इज डार्क बट ट्रू। अब पाइथागोरस की बात आ रही है, पाइथागोरस की जो अवधारणा है, पैराबल है, उसकी जो कहावत है वो डार्क है, यानी थोड़ी सी मुश्किल है समझने में, परंतु सही जरूर है ये बात जो उसने कही है। कोर ने एडिटो ईट नॉट द हार्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पाइथागोरस हैड सम हार्श वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द हैजर्ड ऑफ कीन फ्रेंडशिप। तो कीन फ्रेंडशिप यानी जो क्लोज मित्रता होती है, पक्की मित्रता होती है, उसके हैजर्ड बताए हैं पाइथागोरस ने, उसके नुकसान बताए हैं, खतरे बताए हैं।
He felt that a person may locate a worthy friend before whom he could unburden his worries, but by doing this he would be inadvertently cannibalizing his own heart. Pythagoras कहता है कि कभी कभी हो सकता है कि हमें एक अच्छा मित्र मिल जाए या ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको हम सोचते हैं कि इसको हम साए राज बता सकते हैं, लेकिन अनजाने में ही हम खुद का नुकसान कर रहे होते हैं उसको वो राज बता करके. Inadvertently decapitating his own heart, you know, eat not the heart. यानी हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. तो हमेशा ये सही भी नहीं होता कि अपने साए राज हम किसी को बता दें. But by doing this, he would be inadvertently decapitating his own heart. Such surrender of oneself before even the closest friend might lead to undesirable consequences causing harm. तो कभी कभी क्लोज मित्र को साए राज बता देना भी गलत होता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है. आगे चलते हैं. Certainly, if a man would give it a hard phrase, those that want friends to open themselves unto are cannibals of their own heart. Cannibal होते हैं वो लोग जो आदमखोर होते हैं, जो आदमियों का मांस खाते हैं. तो ऐसे लोग जो अपने राज दूसरों को बता देते हैं, कभी कभी वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं. वो cannibals अपने हार्ट के ही हो जाते हैं, यानी वो खुद का हार्ट खा जाते हैं. इसका मतलब वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं. बट वन थिंग इज मोस्ट एडमरेबल वेयर विद आई विल कंक्लूड दिस फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप. परंतु एक चीज़ जो है वो बहुत ही एडमायरेबल है, विच इज दैट दिस कम्युनिकेटिंग ऑफ ए मैन सेल्फ टू हिज फ्रेंड वर्क्स टू कॉन्ट्रारी इफेक्ट्स. कि ये जो हम अपने राज दूसरों को बता देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं मैन के सेल्फ का, यानी हम खुद के राज जब दूसरों को कम्युनिकेट कर देते हैं तो उसके दो कॉन्ट्रारी इफेक्ट होते हैं. कॉन्ट्रारी इफेक्ट का मतलब दो अपोजिट प्रभाव होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. फॉर इट रीडबल्स जॉय एंड कट्स ग्रीफ इन हाउस. कि जॉय को तो दुगना कर देते हैं और ग्रीफ को आधा कर देते हैं, यानी आनंद को डबल कर देते हैं और दुख को आधा कर देते हैं अगर हम अपनी बातें शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ. तो दोनों चीज़ें बता रहा है. कभी कभी नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है. अब फ़ायदा ये है कि हमारे जॉय बढ़ जाते हैं और हमारे दुख जो हैं वो कम हो जाते हैं. फॉर देर इज़ नो मैन दैट इम्पार्ट हिज जॉय टू हिज फ्रेंड बट ही जॉयथ द मोर, एंड नो मैन दैट इम्पार्ट हिज ग्रीफ्स टू हिज फ्रेंड बट ही ग्रीव्ड द लेस. तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने, ऊपर चलते हैं एक बार, कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने अपने जॉय अपने फ्रेंड को एक्सप्रेस किए हों, इम्पार्ट किए हों, दिए हों और उसको दुगना जॉय नहीं हुआ हो. बट ही जॉय द मोर, बट ही जॉय द मोर ये नेगेटिव सेंटेंस है कि उसको जो जॉय ज़्यादा ना हुआ हो. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने अपनी खुशी अपने दोस्त के सामने प्रकट की हो और उसको डबल खुशी ना हुई हो. और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने अपना दुख अपने दोस्त को बताया हो और उसका दुख कम ना हुआ हो. ऐसा भी कोई दुनिया में दोस्त नहीं, इंसान नहीं है. सो दैट इट इज़ द ट्रूथ ऑफ ऑपरेशन अपॉन ए मैंस माइंड ऑफ लाइक वर्च्यूज. तो सच्चाई में इट इज़ इन ट्रूथ ऑफ ऑपरेशन अपॉन ए मैन माइंड ऑफ लाइक वर्च्यूज. एज द एल्केमिस्ट यूज टू एट्रीब्यूट देयर स्टोन फॉर मैंस बॉडी that it works all contrary effects but still to the good and benefit of nature. ये जो पूरी की पूरी लाइन है इसका मतलब ये है कि जिस तरह से alchemists miracle remedies which palliate pain. कि alchemist वो लोग हुआ करते थे पुराने ज़माने में जो पत्थरों से ये सोने वगैरह की परख किया करते थे और इलाज भी किया करते थे. alchemist जो हैं वो उनकी रेमेडीज चमत्कारिक होती थी, वो पेन को कम कर देते थे. पैलिएट का मतलब कम कर देना. डिस्पाइट वार्निंग ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, परंतु उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते थे. हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है. फ्रेंडशिप माइट सूद सफरिंग डिस्पाइट द रिस्क ऑफ पॉसिबल हार्म. तो फ्रेंडशिप जो है वो सूद तो कर सकती है, यानी हमें सहला सकती है, हमारा दुख कम कर सकती है. डिस्पाइट द रिस्क ऑफ पॉसिबल हार्म, परंतु उसमें हार्म का भी रिस्क होता है, नुकसान का भी रिस्क होता है. ये एल्केमिस्ट का उदाहरण देकर के बताया है बेकर ने कि नुकसान भी हो सकता है. बट येट विदाउट प्रेइंग इन एड ऑफ एल्केमिस्ट देर इज मैनिफेस्ट इमेज ऑफ दिस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर. फॉर इन बॉडीज यूनियन स्ट्रेंथन एंड चेरिश्ड एनी नेचुरल एक्शन एंड ऑन द अदर साइड
weakens the dulth any violent impression, and even so it is of minds. तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि फ्रेंडशिप जो है अनडाउटेडली गॉट सम क्यूरेटिव एंड एम्बामिंग इफेक्ट, कि फ्रेंडशिप की जो है अच्छे अच्छे प्रभाव होते हैं, क्यूरेटिव और एम्बामिंग इफेक्ट होते हैं. क्यूरेटिव का मतलब सही करने वाला, अच्छा करने वाला, एम्बामिंग का मतलब सूद करने वाला. नॉट विद स्टैंडिंग द रिस्क ऑफ इट टर्निंग फाउल, परंतु इसके साथ साथ इसका फाउल होने का रिस्क भी होता है, यानी यह अपने दुष्प्रभाव भी दिखा सकता है. सेम मीनिंग है इसका भी. The second fruit of friendship is healthful and sovereign for the understanding, as the first is for the affections. अब second fruit की बात करते हैं friendship के, तो वो healthful है और sovereign है understanding के लिए. जैसा कि जो first है वो affections के लिए होता है. Affection यहाँ impulses के लिए आया है. आवेग जो होते हैं हमारे, दुख का आवेग, सुख का आवेग, खुशी का आवेग, निराशा का आवेग, उन affections की बात हो रही है. Or friendship makes indeed a fair day in the affections from storms and tempest, but it makes daylight in the understanding. इस लाइन का मतलब ये है कि फ्रेंडशिप जो है वो स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन के कष्ट होते हैं, उनको कम कर देती है और सनशाइन लेके आती है. तो चीयर्स वंस लाइफ, किसी की लाइफ को खुश करने के लिए. इट इनेबल्स वन टू थिंक क्लियरली, तो ये किसी भी व्यक्ति को क्लियरली सोचने के लिए प्रेरित करती है फ्रेंडशिप. आउट ऑफ डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन ऑफ थॉट्स, नीदर इज दिस टू बी अंडरस्टूड ओनली ए फेथफुल काउंसल विच ए मैन रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड, बट बिफोर यू कम टू दैट सर्टेनिटी इज दैट व्हाटसोएवर हैथ हिज माइंड फ्रॉट विद मेनी थॉट्स, हिज विट्स एंड अंडरस्टैंडिंग डू क्लैरिफाई एंड ब्रेक अप इन द कम्युनिकेटिंग एंड डिस्कोर्सिंग विद वन अनदर. He tosseth his thoughts more easily, he marshals them more orderly, he seeth them how they look when they are turned into words. Finally, he waxed wiser than himself and that more by an hour's discourse than by a day's meditation. बहुत लंबा सेंटेंस है ये, दोबारा देखते हैं अपने. Neither is this to be understood only a faithful counsel which a man received from his friend. और ना ही ऐसा समझा जाना चाहिए कि एक मित्र की जो सलाह है, faithful counsel, faithful counsel का मतलब है एक अच्छी सलाह एक मित्र की, वो ही फायदेमंद होती है एक फ्रेंड की. भी फ्रेंड का फायदा सिर्फ इसी बात से नहीं होता कि हमें उससे अच्छी सलाह मिलती है, कुछ और भी है. क्या है? But before you come to that, certain it is that whosoever has his mind fraught with many thoughts. कि अगर कोई भी ऐसा आदमी जिसके दिमाग में बहुत सारे विचार उबल रहे हैं, बहुत सारे विचारों से वो भरा हुआ है, तो अब उसको कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसके सामने वो अपने विचार प्रकट कर सके. एक तो हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, तो उनकी उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो दिमाग में ऐसे ही घूमते रहते हैं. लेकिन जब वो विचार जब हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमें उनके लिए अच्छे शब्दों को चुनना पड़ता है और एक निश्चित क्रम में वो चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं. उसके लिए हमें एक फ्रेंड चाहिए बताने के लिए. हिज विट्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स डू क्लारीफाई एंड ब्रेकअप. ये वही बात कह रहा है कि जब उसका किसी व्यक्ति का दिमाग विचारों से भरा होता है, फ्रॉट विद का मतलब होता है फिल्ड विद, भरा होता है, कॉजिंग और हैविंग एक्सट्रीम वरी और एंग्जाइटी फुल ऑफ समथिंग, तो फ्रॉट विद होता है अगर किसी का दिमाग, तो उसकी जो विट और अंडरस्टैंडिंग है वो क्लारीफाई करती है और ब्रेकअप करती है. उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन विचारों को क्लारीफाई करती है. इन द कम्युनिकेटिंग एंड डिस्कोर्सिंग विद अनदर, जब वो अपनी चिंताएं दूसरों के सामने व्यक्त करता है, कम्युनिकेट करता है, डिस्कोर्स करता है. ही टॉसथ हिज थॉट्स मोर इजीली, तो वो जो अपने विचार है उनको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ टॉस करता है, टॉस करने वाला दूसरों को बताता है. मार्शल्स देम मोर ऑर्डरली, और उनको अच्छे से ज़्यादा ऑर्डरली तरीके से, अच्छे व्यवस्थित रूप से दूसरों को बताता है, यानी अपने मित्र को बताता है. इसी हाउ दे लुक व्हेन दे आर टर्न्ड इनटू वर्ड्स, और उसको फिर ये भी पता लगता है कि उसके अंदर जो विचार उठ रहे थे जब उनको शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वो विचार कैसे लगते हैं. फाइनली ही वैक्स्ड वाइजर देन हिमसेल्फ, और अंत में जब वो अपने सारे विचारों को प्रकट कर चुका होता है तो वो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान पाता है, ज़्यादा समझदार पाता है. यानी हमारे दिमाग में जब कोई भी विचार आते हैं तो जब हम उन विचारों को दूसरों के सामने शब्दों के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तब हमें वास्तव में पता लगता है कि हमारे विचार वो कैसे थे. तो दिमाग में विचार आना और उनको शब्दों में एक्सप्रेस करना, शब्दों में एक्सप्रेस करने से हमें खुद को पता लग जाता है कि वो विचार किस तरह के हैं.
अच्छे हैं बुरे हैं या उनमें किस तरह की सुधार की ज़रूरत है। अब वो विचार हम एक्सप्रेस किसके सामने कर सकते हैं, फ्रेंड के सामने कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक फ्रेंड का फ़ायदा सिर्फ इसी बात से हो कि उससे हमें अच्छी सलाह मिलती है, हम भी हमारे विचारों को व्यक्त करके अपने विचारों का पता लगा सकते हैं कि वो विचार किस तरह के हैं। जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने विचार, तब तक हमें हमारे विचारों का सही ज्ञान नहीं होगा कि वो अच्छे हैं बुरे हैं उनमें क्या कमी है। ओके, इन पूरे सेंटेंस का इतना ही मतलब था। एंड दैट मोर बाय an hour's discourse than by a day's meditation। तो सिर्फ एक घंटे की बातचीत से हमें खुद के विचारों का पता लग जाता है कि वो किस तरह के हैं। देन बाय ए डेज मेडिटेशन, जबकि उन विचारों पे हम भले ही खुद मेडिटेट करते रहे पूरा दिन तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि एक बात को दूसरे व्यक्ति को बताने पर हमें पता लगेगा कि ये बात कैसी है। इट वॉज वेल सैड बाय थेमिस्टोक्लीज टू द किंग ऑफ पर्शिया। थेमिस्टोक्लीज एक दार्शनिक था, वो किंग ऑफ पर्शिया से उसने कुछ कहा, क्या कहा? दैट स्पीच वॉज लाइक क्लॉथ ऑफ एराज, कि जो हमारा स्पीच है हमारी जो भाषा है वो क्लॉथ ऑफ एराज के समान है। अब एराज क्या है? एराज वॉज ए प्लेस फेमस फॉर इट्स हैंड वोवन टेक्सटाइल। तो एराज एक ऐसी जगह थी जहाँ आपके कपड़े बहुत फेमस थे। दीज टेपेस्ट्रीज वर रिच एंड ब्यूटिफुल, तो ये जो कढ़ाई वाले कपड़े थे बहुत ही सुंदर थे। थेमिस्टोक्लीज वंस सेड दैट स्पीच मस्ट बी हर्ड टू बी अप्रिशिएटेड। थेमिस्टोक्लीज ने एक बार कहा था कि स्पीच जो है वो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दिस वॉज अकिन टू द टेपेस्ट्रीज फ्रॉम एराज दैट कुड बी एडमायर्ड ओनली व्हेन ओपनड अप एंड हंग फॉर पीपल टू फीस्ट देयर आइज ऑन। तो उसने स्पीच की तुलना एराज के कपड़ों से की थी, क्योंकि जब तक कि वो कपड़े लोगों को दिखाएंगे नहीं कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। यानी जब तक हम अपने राज, हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं लगेगा हमारे विचार किस तरह के हैं। तो उसने कहा कि स्पीच जो है वो कपड़ों की तरह ही है, अगर उसको प्रदर्शित नहीं किया जाएगा तब तक लोग समझ भी नहीं पाएंगे, प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। ओके, वेयर बाय द इमेजरी डथ अपीयर इन फिगर, वेयर इन थॉट्स दे लाई बट एज इन पैक्स। इस लाइन का मतलब है कि थॉट्स व्हेन नॉट ओपनड अप फॉर प्रोपेगेशन रिमेन लॉक्ड इन द माइंड ऑफ द थिंकर, कि विचार जब तक कि आप प्रकट नहीं करोगे तब तक वो उसके दिमाग में ही रहेंगे व्यक्ति के, तो तब तक कोई कैसे प्रशंसा कर पाएगा कि उसके विचार कैसे हैं। नीदर इज अ सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इन ओपनिंग द अंडरस्टैंडिंग रिस्ट्रेंड ओनली टू सच फ्रेंड्स एज आर एबल टू गिव ए मैन काउंसल, दे इंडीड आर बेस्ट बट इवन विदाउट दैट ए मैन लर्न ऑफ हिमसेल्फ एंड ब्रिंग हिज ओन थॉट्स टू लाइट एंड वर्थ हिज विट्स एज अगेंस्ट ए स्टोन विच इट सेल्फ कट्स नॉट। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई फ्रेंड इंटेलिजेंट ना भी हो, हमारा जो मित्र है भले ही इंटेलिजेंट ना भी हो, उसके सामने भी हम हमारे विचारों को व्यक्त करके फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने विचार शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उन विचारों की असलियत हमें भी पता लगती है, वो विचार कैसे हैं। यही बात इसमें हुई है। बाय डूइंग दिस वन कैन अंडरस्टैंड देम एंड पॉसिबली थ्रो मोर लाइट ऑन देम, दिस कुड शार्पन हिज इंटेलिजेंस, इट इज़ लाइक द वे यू शार्पन ए टूल बाय रबिंग इट अगेंस्ट ए रफ स्टोन। तो जिस तरह से हम अपने टूल को किसी चीज़ करके तीखा करते हैं, भले कोई पत्थर ही हो, तो एक ऐसा व्यक्ति जो इंटेलिजेंट ना भी हो लेकिन उसके सामने अपनी बात रखने से हमें खुद के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगता है कि हम कैसे हैं। In a word, a man can ever better relate himself to a statue or picture than to suffer his thoughts to pass in smother. तो आगे बैकन ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर अपने आप को एक स्टैचू के सामने आ रही एक पिक्चर के सामने भी अगर अपने विचार व्यक्त कर देता है तो वो बेटर है स्मोदर करने से, अंदर ही अंदर घुटने से। यानी अगर आप हमारे सामने कोई ऐसे विचार आ रहे हैं जो हम किसी को बताना चाहते हैं और कोई मित्र ना मिले तो कम से कम एक मूर्ति को ही बता दो, भले पिक्चर को ही बता दो। थॉट्स को एक्सप्रेस करने से हमारी घुटन कम होती है, स्मोदर का मतलब होता है घुटन। एड नाउ टू मेक द सेकेंड फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप कम्प्लीट दैट अदर पॉइंट विच लाइज मोर ओपन एंड फॉल्स विद वल्गर ऑब्जेक्शन विच इज फेथफुल काउंसिल फ्रॉम ए फ्रेंड। तो सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इसकी वो बात कर रहा है, उसका एक और फायदा ये है कि मित्र से हमें फेथफुल काउंसिल मिलती है, एक ईमानदार सलाह मिलती है। Heraclitus said, well, in one of his enigmas, dry light is ever the best. तो Heraclitus एक फिलोसोफर था, उसने अपने enigmas में अपनी पहेलियों में कहा है कि dry light is ever the best. Dry light हमेशा अच्छी होती है,
ड्राई लाइट का मतलब है इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एडवाइस फ्रॉम अनदर पर्सन, कि दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई एक पक्षपात रहित सलाह। अनबायस्ड का मतलब जिसमें पार्शियलिटी ना हो। एंड सर्टेन इट इज दैट द लाइट दैट ए मैन रिसीव्ड बाय काउंसिल फ्रॉम अनदर इज ड्रायर एंड प्योरर। और यह बात तो सही है कि अगर किसी आदमी के द्वारा हमें कोई सलाह मिलती है और अगर वो आदमी पक्षपात रहित है तो वो सलाह बहुत ही प्योर है, ड्रायर है और प्योर है। ड्रायर एंड प्योर का मतलब एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम वेल मीनिंग अनबायस्ड वाइज फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो अनबायस्ड हैं उनसे। देन दैट विच कम्स फ्रॉम हिज ओन अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। तो अब हम जब खुद ही सलाह लेते हैं, अपने कई बार हमारे दिमाग में ऐसे विचार उठते हैं कि हम खुद ही प्लानिंग करते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उस राय में, उन विचारों में थोड़ा सा पक्षपात हो सकता है क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन हमारी सिचुएशन को जब हम दूसरों को बताते हैं तो उनका सोचने का तरीका अलग होगा, उसमें वो बायस नहीं होगा, उसमें वो पक्षपात नहीं होगा जो हम कर सकते हैं। तो दूसरों से सलाह लेने में ये फ़ायदा हो जाता है कई बार कि हम हमारी जो पार्शियलिटी, हम जो खुद पार्शियलिटी रखते हैं अपने दिमाग के अंदर, अपने प्रति बायस होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। विच इज़ एवर इन्फ्यूज्ड एंड ड्रेंच्ड इन हिज अफेक्शंस एंड कस्टम्स। तो ये जो बताई है कि आदमी के जो खुद के जो विचार होते हैं कई बार वो बायस होते हैं। इफ ए पर्सन इज गाइडेड बाय हिज ओन इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन एंड इमोशंस, द जजमेंट माइट बी कलर्ड बाय हिज ओन सेंस। कि अगर आदमी सारे फैसले जो अब खुद लेता है, अपने हिसाब से लेता है, तो बायस हो सकते हैं। एज मच डिफरेंस बिटवीन द काउंसल दैट ए फ्रेंड गिव्स एंड दैट ए मैन गिव्स हिमसेल्फ एज देयर इज बिटवीन द काउंसल ऑफ ए फ्रेंड एंड ऑफ ए फ्लैटरर, फॉर देयर इज नो सच फ्लैटरर एज इज मैन सेल्फ। तो अपने से बड़ा चापलूस इंसान का और कोई नहीं होता है, हम खुद के बड़े सबसे बड़े चापलूस होते हैं। हम हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे हिसाब से सोचते हैं, लेकिन वही बात जब हम अपने मित्र को बताएंगे किसी को जो अनबायस्ड होगा, तो वो हमें सही सलाह देगा। एंड देयर इज नो सच रेमेडी अगेंस्ट फ्लैटरी ऑफ ए मैन सेल्फ। और आदमी के खुद के प्रति चापलूसी के लिए कोई इलाज भी नहीं है। एज द लिबर्टी ऑफ ए फ्रेंड, और उसकी सबसे बड़े इलाज एक फ्रेंड ही है, वही हमें बता सकता है कि हम कहाँ बायस्ड हैं, कहाँ नहीं है। काउंसिल इज ऑफ टू सॉर्ट्स। अब सलाहें दो प्रकार की होती हैं, द वन कंसर्निंग मैनर्स, द अदर कंसर्निंग बिजनेस। एक तो हमारे व्यवहार से संबंधित और एक हमारे बिजनेस से संबंधित। फॉर द फर्स्ट द बेस्ट प्रिजर्वेटिव टू कीप इन माइंड इन हेल्थ इज द फेथफुल एडमोनिशन ऑफ ए फ्रेंड। तो पहली जो मैनर्स वाली है, उसके लिए तो हमें हमारे मित्र की सलाह बहुत ज़रूरी है, और मित्र की झिड़क एडमोनिशन जो है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। कोई मित्र हमें डांट भी सकता है। द कॉलिंग ऑफ ए मैन सेल्फ टू ए स्ट्रिक्ट अकाउंट इज ए मेडिसिन समथिंग टू पियर्सिंग एंड कोरोजिव। कोरोजिव का मतलब होता है घिसने वाली, कम करने वाली। तो ये जो सलाह होती है मित्र की, वो हमारे लिए बहुत पियर्सिंग और कोरोजिव हो सकती है, लेकिन हमारे लिए काम की है वो। रीडिंग गुड बुक्स ऑफ मोरालिटी इज ए लिटिल फ्लैट एंड डेट। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ करके हमें इतना फ़ायदा नहीं मिल सकता। ऑब्जर्विंग आवर फॉल्ट्स इन अदर इज समटाइम्स इम्प्रॉपर फॉर आवर केस। तो हम खुद के दोषों को दूसरों के अंदर देखना भी कभी कभी फ़ायदेमंद नहीं होता है। बट द बेस्ट रिसीट, बेस्ट आई से टू वर्क एंड बेस्ट टू टेक इज द एडमोनिशन ऑफ ए फ्रेंड। सबसे बढ़िया इसमें जो काम करती है चीज़, वो है एक मित्र की डांट, एक मित्र की झिड़क। और डांटता हमें वही मित्र है जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, वरना कौन डांटता है आज की दुनिया में। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू बी होल्ड वट ग्रोस एरर्स एंड एक्सट्रीम अब्जर्विटीज मैनी स्पेशली ऑफ द ग्रेटर शोल्ड डू कमिट फॉर वॉन्ट ऑफ ए फ्रेंड टू टेल दैम ऑफ दैम टू द ग्रेट डैमेज बोथ ऑफ देयर फेम एंड फॉर्चून। दोबारा देखते हैं कि यह बड़ी ही स्ट्रेंज थिंग है देखने में कि कितनी भयंकर गलतियाँ और भयंकर मूर्खताएँ, ग्रोस एरर्स एंड एक्सट्रीम अब्जर्विटीज, भयंकर गलतियाँ और भयंकर मूर्खताएँ की गई हैं स्पेशली ऑफ द ग्रेटर सोल्स, और ख़ास करके वो लोग जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े महापुरुष लोग थे, रिच एंड ग्रेट पीपल हैं, उन्होंने की हैं फॉर वॉन्ट ऑफ ए फ्रेंड, एक फ्रेंड की चाह में, टू टेल देम ऑफ देम टू द ग्रेट डैमेज बोथ ऑफ देयर फेम एंड फॉर्चून। मतलब बहुत बड़े बड़े जो लोग दुनिया में रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा मित्र नहीं था। फॉर वॉन्ट ऑफ ए फ्रेंड, यानी एक फ्रेंड के अभाव में।
तो उन्होंने अपने फेम और फॉर्चून का भी विनाश कर लिया इस चक्कर में, क्योंकि उनके पास एक अच्छा मित्र नहीं था। फॉर एज सेंट जेम्स सेथ, दे आर एज मैन दैट लुक समटाइम्स इनटू ग्लास एंड प्रेजेंटली फॉरगेट देयर ओन शेप एंड फेवर, बिकम्स ब्लाइंड टू वन्स ओन फॉलिंग्स एंड वीकनेस। तो वो जो थे बड़े बड़े लोग जो थे, वो अपने ही फॉल्ट की, अपने ही वीकनेस के प्रति ब्लाइंड बन जाते हैं। उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि तुम यहाँ गलत हो, तुम में ये कमी है। एज फॉर बिजनेस, ए मैन मे थिंक इफ ही विन दैट टू आईज सी नो मोर देन वन, और दैट ए गेमस्टर सीथ ऑलवेज मोर देन ए लुकर ऑन, और दैट ए मैन इन एंगर इज एज वाइज एज दैट हैज सेड ओवर द 24 लेटर्स, दैट ए मस्कट मे बी शॉट ऑफ एज वेल अपॉन द आर्म एज अपॉन ए रेस्ट, and such other fond and high imaginations to think himself in all. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से इनकार भी कर देते हैं कि फ्रेंड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ये सोच सकते हैं कि if he win that two eyes see no more than one। कई लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि दो आँखें उतना ही देखती हैं जितनी कि एक आँख देखती है, तो फ्रेंड की जरूरत नहीं है। और दैट ए गेमस्टर सीथ ऑलवेज मोर देन ए लुकर ऑन, और कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि खेलने वाले को दर्शकों से ज़्यादा पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दैट ए मैन इन एंगर इज एज वाइज एज ही दैट हैथ सेड ओवर द 24 लेटर्स, तो गुस्से में भी आदमी कई बार बहुत समझदार हो जाता है। और दैट ए मस्केट मे बी शॉट ऑफ एज वेल अपॉन द आर्म एज अपॉन द रेस्ट, और एक बंदूक जो है उससे फायर किया जा सकता है आर्म की सहायता से, बजाय कि जब वो रेस्ट में होती है उसके। सच अदर फूड एंड हाई इमेजिनेशन टू थिंक हिमसेल्फ ऑल इन ऑल, तो ये जो तर्क है कुछ व्यक्तियों के हैं जो खुद को ही ऑल इन ऑल मानते हैं, खुद को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, तो वो इस तरह के तर्क दे सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आदमी अपना अच्छा भला पूरा खुद सोच सकता है। बट वेन ऑल इज डन द हेल्प ऑफ गुड काउंसिल इज दैट विच सीथ बिजनेस स्ट्रेट, परंतु उसके सब कुछ के बावजूद एक अच्छी सलाह है उसकी वैल्यू बिजनेस में बहुत ज़्यादा होती है। एंड इफ एनी मैन थिंक दैट ही विल टेक काउंसिल बट इट शैल बी बाय पीसेस, आस्किंग काउंसिल इन वन बिजनेस ऑफ वन मैन एंड इन अनदर बिजनेस ऑफ अनदर मैन, इट इज़ वेल दैट इज टू से बेटर परहैप्स देन इफ ही आस्क नन एट ऑल। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि ए बिजनेस मैन कैन चूज टू सीक एडवाइस फ्रॉम अदर फ्रेंड और वन इशू फ्रॉम अनदर फ्रेंड और अनदर इशू, दिस इज बेटर देन आस्किंग नो एडवाइस एट ऑल। कि एक व्यक्ति से सॉरी थोड़ी कम सलाह ले ली, थोड़ी एक मुद्दे पर सलाह ले ली, दूसरे व्यक्ति से दूसरे मुद्दे पर सलाह ले ली, यह भी बेटर है बजाय इसके कि हम किसी से भी कोई सलाह ना लें। बट ही रंथ टू डेंजर्स वन दैट ही शैल नॉट बी फेयरफुली काउंसल्ड, फॉर इट इज ए रेयर थिंग एक्सेप्ट टू बी फ्रॉम ए परफेक्ट एंड एंटायर फ्रेंड टू हैव काउंसिल गिवन, बट सच एज शैल बी bored and proved to some ends which he had that gives it। तो इस प्रकार की सलाहों में पार्शियलिटी आ जाती है। अगर बेकन कहता है कि अगर हम टुकड़ों में सलाह लें, थोड़ी सी सलाह किसी और फ्रेंड से, थोड़ी सलाह कुछ और फ्रेंड से, तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। द अदर दैट ही शैल हैव काउंसिल गिवन हार्टफुल एंड अनसेफ दो विद गुड मीनिंग एंड मिक्सड पार्टली ऑफ mischief एंड पार्टली ऑफ रेमेडी इवन एज इफ यू वुड कॉल ए फिजिशियन that is thought good for the cure of the disease you complain of but is unacquainted with your body and therefore may put you in a way far a present cure but overthrows your health in some other kind and so cure the disease। but he runs two dangers, परंतु उसको इस काम में दो खतरे होते हैं। वन दैट ही शैल नॉट बी फेथफुली काउंसल्ड, तो अगर हम अलग अलग दोस्तों से अलग अलग तरह की सलाह लेंगे तो एक खतरा तो ये होगा कि उसको फेथफुली काउंसल नहीं किया जाएगा। फेथफुली काउंसल का मतलब है अच्छी सलाह नहीं मिलेगी, वफादारी वाली सलाह नहीं मिलेगी। फॉर इट इज़ अ रेयर थिंग एक्सेप्ट इट टू बी फ्रॉम ए परफेक्ट एंड एंटायर फ्रेंड, क्योंकि फेथफुली काउंसल तो वही आदमी कर सकता है जो हमारा पक्का मित्र हो, परफेक्ट मित्र हो और एंटायर मित्र हो हमारा, यानी पूर्ण मित्र हो। तो अलग अलग लोगों से जब हम अलग अलग सलाहें लेते हैं तो उसमें यह बड़ा रिस्क हो जाता है कि वो सलाह जो वो हमें दे रहे हैं उसमें सिंसियरिटी ना हो, ईमानदारी ना हो, वफादारी की झलक ना मिले।
तो उस सलाह में ये खतरा हो सकता है। हाँ, अगर कोई हमारा पक्का मित्र दे रहा है तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। टू हैव काउंसल गिवन बट सच एज शैल बी बोर्ड एंड क्रूक्ड टू सम एंड्स, तो वो सलाह बोर्ड हो सकती है, क्रूक्ड हो सकती है, यानी उसमें कहीं ना कहीं कोई धोखा भी छिपा हो सकता है। विच ही हैथ दैट गिव्स इट, द अदर दैट ही शैल हैव काउंसल गिवन हर्टफुल एंड अनसेफ, though with good meaning and mixed partly of mischief and partly of remedy, even as if you would call a physician that is thought good for the cure of the disease you complain of but is unacquainted with your body। यहाँ बैकन डॉक्टर का उदाहरण दे करके हमें बता रहा है कि किस तरह से कई बार कुछ लोग हमें ऐसी सलाह दे देते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन उनको लगता है कि ये उपयुक्त होगी। और जिस तरह से कोई डॉक्टर होता है, वो अगर हमारी बॉडी से परिचित ना हो पूरी तरह से, तो वो डिजीज़ का तो इलाज कर देता है, यानी बीमारी का तो इलाज कर देता है, लेकिन हमारी बॉडी से परिचित ना हो पाने के कारण उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में नहीं रख पाता। उसको ये नहीं पता होता कि इसकी बॉडी किस टाइप की है और इस बीमारी का इलाज करने से कहीं इसकी और बीमारी तो नहीं हो जाएगी। वो अनअक्वेंटेड होता है हमारी बॉडी से, तो वो आपकी बीमारी तो ख़त्म कर देगा लेकिन आपके शरीर को डेंजर में डाल देगा। बट ये आप देखिए, ओवरथ्रोस योर हेल्थ इन सम अदर काइंड एंड सो क्योर द डिजीज एंड किल द पेशेंट, कि डिजीज को तो वो क्योर कर देंगे लेकिन पेशेंट को किल कर देंगे। तो ऐसी बीमारी का इलाज करने का क्या फायदा कि बीमारी तो ठीक होगी लेकिन पेशेंट नहीं बचा। तो ऐसी ही उन लोगों की सलाहें हैं जो हमें अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, वो हमें ऐसी ऐसी सलाहें दे देते हैं कई बार जो हमारे लिए उस टेम्परेरी मुसीबत को तो ख़त्म कर देती है लेकिन और दिक्कतें हमारे सामने ले आती हैं। तो इन सलाहों से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, बट ए फ्रेंड दैट इज होली अक्वेंटेड विद ए मैंस एस्टेट, परंतु एक पक्का मित्र, एक सच्चा मित्र जो हमारे से पूर्ण रूप से अक्वेंटेड होता है, परिचित होता है मैन की एस्टेट से, वो बिवेयर होता है, वो सावधान रहता है बाय फर्दरिंग एनी प्रेजेंट बिजनेस हाउ ही डैशेथ अपॉन अदर इनकन्वीनियंस। तो उसको पता होता है कि ये जो मेरा मित्र है इसकी पूरी स्थिति के बारे में अवगत होता है, तो वो उसको इस तरह की कोई सलाह नहीं देता जिससे वो डेंजर में पड़ जाए, किसी तरह की इनकन्वीनियंस के अंदर आ जाए। एंड देयर फोर रेस्ट नॉट अपॉन स्कैटर्ड काउंसल्स, दे विल रादर डिस्ट्रैक्ट एंड मिसलीड देन सेटल एंड डायरेक्ट। इसलिए जो स्कैटर्ड काउंसल है, जो हम अलग अलग लोगों से सलाहें लेते हैं, उनको स्कैटर्ड काउंसल बोला है, उनके ऊपर विश्वास मत करो। रेस्ट नॉट अपॉन देम, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देंगी, मिसलीड कर देंगी सेटल और डायरेक्ट करने की बजाय। तो अलग अलग लोगों से सलाह लेने के समर्थ उसके पक्ष में नहीं है बेहतर। आफ्टर दीज टू नोबल फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप, अब ये जो दो नोबल फ्रूट्स ऊपर कर लिए हैं डिस्कस बेहतर ने, पीस इन द अफेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द जजमेंट, फॉलोज द लास्ट फ्रूट विच इज लाइक द पोमेग्रेनेट फुल ऑफ मैनी कर्नल्स। तो लास्ट जो फ्रूट है जो डिस्कस करने वाला है बेकन, वो एक पोमेग्रेनेट की तरह, अनार की तरह है जिसमें बहुत सारे कर्नल्स हैं, यानी उसके बहुत सारे फायदे हैं। आई मीन एड एंड बेयरिंग ए पार्ट इन ऑल एक्शंस एंड ओकेजंस। तो लास्ट फ्रूट बताया है, फ्रेंडशिप मीन्स हेल्पिंग एंड टेकिंग पार्ट इन ऑल एक्शंस एंड ओकेजंस ऑफ ए फ्रेंड, यानी एक मित्र के सभी कार्यों में भागीदारी, उसके सभी अवसरों में भागीदारी, हमेशा उसके साथ रहना, उसका साथ निभाना, ये फ्रेंडशिप का तीसरा फ्रूट है। हियर द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट टू लाइफ द मैनीफोल्ड यूज ऑफ फ्रेंडशिप इज टू कास्ट एंड सी हाउ मेनी थिंग्स देयर आर व्हिच अ मैन कैन नॉट डू हिमसेल्फ एंड देन इट विल अपीयर दैट इट वाज अ स्पेयरिंग स्पीच ऑफ द एंशिएंट टू से दैट ए फ्रेंड इज अनदर हिमसेल्फ। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता, हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसका मित्र जो है उसकी रिप्रेजेंट कर करके कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है। तो ये जो लाइन है ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। एक एंशियंट कहावत है, इट वाज कस्टमरी टू कॉल ए फ्रेंड एज ए रेप्लिका ऑफ वन सेल्फ। फ्रेंड जो होता है वो हमारी प्रतिमूर्ति होता है, हमारा ही अक्स होता है, वो हमारी जगह उपस्थित रह करके हमारे कार्य कर सकता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। फॉर दैट ए फ्रेंड इज फार मोर देन हिमसेल्फ। और कभी कभी तो फ्रेंड जो होता है हमसे भी कहीं ज़्यादा होता है, हम स्वयं से। मैन हैव देयर टाइम एंड डाई मैनी टाइम्स इन डिजायर ऑफ समथिंग विच दे प्रिंसिपली टेक टू हार्ट, द बेस्ट टॉमिंग ऑफ ए चाइल्ड, द फिनिशिंग ऑफ ए वर्क और द लाइक,
तो आदमी के पास टाइम जो होता है वो सीमित होता है, उसे बहुत बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत बार उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। तो लेकिन जो बेस्टोविंग ऑफ ए चाइल्ड, जैसे चाइल्ड को बड़ा करना है, फिनिशिंग ऑफ ए वर्क ऑफ द लाइफ, किसी काम को पूरा करना है, इफ़ ए मैन हैव ए ट्रू फ्रेंड ही मे रेस्ट ऑलमोस्ट सिक्योर दैट द केयर ऑफ दोज थिंग्स विल कंटिन्यू आफ्टर हिम। तो अगर एक आदमी के पास एक अच्छा मित्र है तो वो मित्र के भरोसे ही बहुत सारे काम छोड़ सकता है, उसको पता है कि मेरे जाने के बाद ये काम मेरा मित्र अच्छे से देख लेगा। सो दैट ए मैन हैथ एज इट वर टू लाइव्स इन हिज डिजायर, ए मैन हैथ ए बॉडी एंड दैट बॉडी इज कन्फाइंड टू ए प्लेस, बट फेयर फ्रेंडशिप इज ऑल ऑफिसेज ऑफ लाइफ आर एज इट वर ग्रांटेड टू हिम एंड हिज डेप्यूटी। तो हमारी तो सीमित लिमिट होती है, हम एक जगह ही उपस्थित हो सकते हैं, एक ही बॉडी होती है हमारी, वो एक ही जगह पर सीमित होती है, परंतु जहाँ मित्रता होती है वहाँ पे सारे ऑफिसेज अटेंड किए जा सकते हैं। आप किसी जगह अपने किसी मित्र को भेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हो। फॉर ही मे एक्सरसाइज देम बाय हिज फ्रेंड, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर विच ए मैन कैन नॉट विद एनी फेस और कमलीनेस सेज और डू हिमसेल्फ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो व्यक्ति खुद के लिए नहीं कह सकता, खुद के लिए नहीं कर सकता है, वहाँ मित्र काम आता है। कमलीनेस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव। तो हर जगह वो अपनी तारीफ नहीं कर सकता है, हर जगह कोई भी इंसान जो है अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने मुंह से वो नहीं कह सकता है, तो वहाँ मित्र काम आता है। ए मैन कैन स्कैर्स अलेज हिज ओन मेरिट्स विद मोडेस्टी। तो एक आदमी जो है वो मोडेस्टी के साथ अपनी मेरिट्स जो है वो बता नहीं सकता लोगों को, अपनी तारीफ नहीं कर सकता है, अपने गुण नहीं बता सकता है, तो इसके लिए तो एक मित्र ही काम आता है। ही मे बी टू शाई टू प्रेजेंट हिज ओन क्वालिटीज विद द प्रेज दे डिजर्व, मच लेस एक्सटोल देम। ए मैन कैन नॉट समटाइम्स प्रूव टू सप्लीकेट और बैग एंड ए नंबर ऑफ द लाइक। तो इस लाइन का मतलब है कि वाइल आस्किंग फॉर ए फेवर फ्रॉम अदर्स ही मे फील वेरी ऑकवर्ड। अगर उसको किसी और लोगों से एहसान लेना है, कोई काम करवाना है, तो भी उसको शर्म महसूस हो सकती है, तो यहाँ पे भी उसका फ्रेंड जो है वो काम आ सकता है। बट ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेसफुल इन ए फ्रेंड्स माउथ। तो फ्रेंड के माउथ के थ्रू ये बातें अगर बोली जाती हैं तो ये सारी चीज़ें ग्रेसफुल लगती हैं। विच आर ब्लशिंग इन ए मैंस ओन, जिसको खुद कहने में कोई आदमी शर्मा सकता है। सो अगेन ए मैंस पर्सन हैथ मैनी प्रॉपर रिलेशंस विच ही कैन नॉट पुट ऑफ। ए मैन कैन नॉट स्पीक टू हिज सन बट एज ए फादर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी अपने बेटे से केवल एक फादर के रूप में ही बात कर सकता है, एक वाइफ से केवल एक हस्बैंड के रूप में बात कर सकता है, एक एनिमी से अपनी शर्तों पे बात कर सकता है, वेयर एज ए फ्रेंड में स्पीक एज द केस रिक्वायर, लेकिन मित्र के साथ कैसे भी बात की जा सकती है। एंड नॉट एज इट इज सॉर्ट एज विद द पर्सन बट टू एनुमरेट दीज थिंग्स वर एंडलेस आई हैव गिवन द रूल, वेयर ए मैन कैन नॉट फिटली प्ले हिज ओन पार्ट इफ ही हैव नॉट ए फ्रेंड ही मे क्विट द स्टेज। कि अगर मित्र नहीं है तो आपके लिए दुनिया काम की नहीं है, आपके लायक नहीं है दुनिया। ए फ्रेंडलेस कट ऑफ पर्सन इज अनफिट टू लिव इन द सोसाइटी। कि एक बिना मित्र का व्यक्ति जो है सोसाइटी में रहने के लिए अनफिट होता है। तो मित्र एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही लंबा ऐसे था ये। आई होप यू enjoyed इट। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो ये पूरा का पूरा तीनों पार्ट इसके, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने साथी स्टूडेंट्स को भी जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।